कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर कहा डिप्टी सीएम साव ने कि आपने अपनी सरकार में रहते हुए न देश की चिंता की और न प्रदेश की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया है। इस समीक्षा से कांग्रेस को लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है और न ही कोई नियत है। वही तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर महापौर द्वारा प्रदर्शन की चुनौती पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 5 साल रही, तब कुछ नहीं किया। जो शहर के लोग पेयजल की व्यवस्था नहीं करा सकता, आज सामने चुनाव को देखकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की जनता बखूबी जानती है कि 5 साल महापौर के कार्यकाल में रायपुर के लिए उन्होंने क्या किया। अब जब विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं तो राजनीति कर रहे हैं। महापौर ने रायपुर की शहर की जनता को ठगने का काम किया है। हम रायपुर शहर और सभी गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महापौर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया, और इसके समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नियत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 5 साल रही, तब कुछ नहीं किया। जो शहर के लोगों को पेयजल की व्यवस्था करने में अपने आप को जिन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता है, कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, आज सामने चुनाव को देखकर वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पर रायपुर शहर की जनता बखूबी जानती है कि 5 साल महापौर के कार्यकाल में रायपुर के लिए उन्होंने क्या किया, और अब वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन रायपुर शहर की जनता जानती है कि आज जिस प्रकार से एजाज देवर महापौर कर रहे हैं, वो केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। हम प्रदेश के, न केवल रायपुर, सभी शहरों और गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे, और पिछले 6 महीनों में खूब काम भी किया है। सभी नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध कराई है और तेज गति से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।